नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और बड़ी खबर आज की ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सीएए के विरोधियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना शामिल थे। दरअसल आज फिर से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से एक बड़ा नाटक करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट में एक दो नहीं बल्कि 144 याचिकाएं लगा दी गईं सीए को रद्द कराने के लिए, सीए पर रोक लगवाने के लिए, जिसको लेकर आज बड़ा हंगामा देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि जो तीनों गेट थे चैम्बर के, जो जिसमें अदालत के जिसमें सुनवाई चल रही थी, उनको खोल के रखना पड़ा क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े नाराज भी, और उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को आने की क्या जरूरत थी, जिस जिस की याचिका है उसका वकील आ सकता था, लेकिन इस तरीके से तो सुनवाई नहीं हो पाएगी और यह अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कहा कि जब तक शांति नहीं होती है तब तक सुनवाई नहीं होनी चाहिए और इस सुनवाई को कम से कम 6 हफ्ते के लिए टाल देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंह भी, जो कांग्रेस के, आपको याद होगा कि राम मंदिर को लटकाने के लिए यही तीनों लोग आगे आए थे और इन्होंने किस तरीके से झूठी दलीलें दी थी, तमाम तरीके के प्रपंच किए थे और हथकंडे अपनाए थे कि राम मंदिर के ऊपर फैसला टल जाए, उसी तरीके से आज कपिल सिब्बल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को निलंबित करने का आदेश देना चाहिए। इस पर सीधा जवाब देते हुए शरद अरविंद बोबड़े, जो कि चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि क्या आप कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं या उसको निलंबित करने की मांग करके आप सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट तौर पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके ऊपर एकाधिकार है व्यवस्थापिका का और उसको लागू करने का जो अधिकार है वो है कार्यपालिका का। सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका केवल उसकी समीक्षा कर सकती है और उसके तहत हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक तमाम जिलों में 40 लाख लोगों की वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ 30 लाख लोगों को नागरिकता देने का भी काम शुरू हो चुका है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और एक बार अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वो वापस भी नहीं ली जा सकती। इस पर शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि आप इस तरीके की बात करके एक तरफा फैसले की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी तौर पर एक तरफा फैसला नहीं देगा। दरअसल ऐसे बोबड़े का कहना ये था कि 144 याचिकाएं आई हैं, उन पर केंद्र का जवाब हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि पहले भी जब ये याचिका लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक तरफा तौर पर हम इस पर फैसला नहीं दे सकते, केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा तभी हम कोई फैसला लेने की स्थिति में होंगे। इसके साथ ही साथ ऐसे बोबड़े ने यह भी कहा कि अब ये जो मामला है इसकी जो सुनवाई है इसके ऊपर जो फैसला है 5 जजों की संवैधानिक बेंच ही ले सकती है, 3 जजों की बेंच इस पर कोई फैसला नहीं देगी। और ये कहते हुए उन्होंने इस पूरी सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का समय दिया और 5 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई करने का फैसला ले लिया है। सीधे तौर पर यह बड़ी हार है सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, केजरीवाल टाइप के, अखिलेश यादव टाइप के या दूसरे इसी तरीके के वामपंथी नेताओं के लिए, जिन्हें यह लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करके, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून को पलटवाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे और इसके लिए उन्होंने पूरा दबाव बनाने की कोशिश की। 144 याचिकाएं, आपको याद होगा कि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो 59 याचिकाएं थीं और इस बार सुनवाई से पहले उन्होंने जिस तरीके से हर गली कूचे के ऐरे गहरे नत्थू खैरे को पकड़कर याचिकाएं लगवा दी हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो कानून की समीक्षा कराना नहीं बल्कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि जो असम का मामला है या नॉर्थ ईस्ट का मामला है उसकी अलग से सुनवाई नहीं होगी, लेकिन वो अलग केस है, उसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। और जैसा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि बंगाल का केस भी अलग है, बंगाल में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ये इस कानून के तहत नागरिकता नहीं मिल पा रही है, उनका सीधा इशारा अवैध रूप से घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ था। और उत्तर प्रदेश के मामले में जो कपिल सिब्बल ने मुद्दा उठाया था कि 40 लाख लोगों की पहचान कर ली गई है जिनसे उनका वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, यहाँ भी इशारा सीधे तौर पर अवैध रूप से घुसे हुए घुसपैठियों की तरफ है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा सक्रिय थी और उसने एक तरफ
उन शरणार्थियों की पहचान की जिनकी संख्या अभी तक 30 लाख निकल कर आई है और बाकी जिलों में काम चल रहा है, और दूसरी तरफ जो अवैध घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं जिनको बसाने का काम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकारों ने किया था, उनकी संख्या 40 लाख है और उनकी अभी और जाँच चल रही है। सीधे तौर पर ये पूरा जो मामला है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज सब के सब ये इंदिरा जयसिंह जैसे लोग और कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग खड़े हुए थे, इनका एक ही मुद्दा है, एक ही इंटेंशन है, और वो है कि इस देश में अवैध रूप से घुसे हुए अपराधी प्रवृत्ति के, देशद्रोही प्रवृत्ति के जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको किसी तरीके से नागरिकता दिलाने की कोशिश में ये लगे हुए हैं, और यही वजह है कि इन्होंने आज 144 याचिकाएं यहाँ लगवा दी हैं। और इसको लेकर आज अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से एक अनुरोध किया कि अब और नई याचिकाएं लेने पर आप रोक लगा दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि अगले 5 हफ्तों में ये लोग 200-250 याचिकाएँ और लगवा दें, क्योंकि इनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन इसका जो कहने का तात्पर्य यही है, ये जो सारी याचिकाएं लग रही है लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, वकीलों को पैसे कहीं और से आ रहे हैं, और जो याचिकाकर्ता के तौर पर लोगों को पेश किया जा रहा है उनका भी इस मामले में कोई वास्तविक दखल नहीं है, उसके बावजूद उनसे हस्ताक्षर कराकर ऐसी याचिकाएं डाली जा रही हैं। तो सीधे तौर पर वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास अभी तक केवल 60 याचिकाएं पहुंची हैं जिसका जवाब हमने दाखिल कर दिया है, लेकिन जो नई याचिकाएं आई हैं उनका जवाब भी हमें ढूंढना पड़ेगा, और उन्होंने किस तौर पर इस चीज़ को रखा है वो भी हमें समझना पड़ेगा, इसलिए हमें समय दिया जाए 6 हफ्ते का, जिसको लेकर शरद अरविंद बोबड़े ने यह कहा, उनकी पीठ ने कहा कि आपको 4 हफ्ते का हम समय देते हैं और तब तक इस कानून पर किसी भी प्रकार की रोक या इसका निलंबन नहीं होगा। यानी सीधे तौर पर जिस कोशिश में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, राजीव धवन टाइप के देश विरोधी सोच रखने वाले, अराजकतावादी सोच रखने वाले कांग्रेसी पिट्ठुओं ने कोशिश की थी, उसको सीधे तौर पर नकारने का काम किया है शरद अरविंद बोबड़े की 3 सदस्यीय इस खंडपीठ ने, जिसमें अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना भी शामिल थे। तो सीधे तौर पर एक बड़ी जीत है ये केंद्र सरकार के लिए, और बड़ी जीत है सीएए के समर्थकों के लिए, और बड़ी जीत उन शरणार्थियों के लिए भी है जिनको लेकर ये कानून बनाया गया है, और इस कानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक थे और उनके ऊपर इसी वजह से, क्योंकि वो एक मजहब विशेष से संबंध नहीं रखते थे, अत्याचार किया गया, उन पर दबाव डाला गया, या तो वो धर्म को अपने धर्म को छोड़कर मजहब अपना लें या फिर वो यहाँ से भाग जाएं, अपनी बहन बेटियों को उनके हवाले कर दें, और इससे बचने के लिए वो तमाम लोग पिछले 70 सालों में भारत आए, और इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि 2014 31 दिसंबर तक जो भी लोग भारत में आए हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना से बचने के लिए आए हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए आए हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। और इसी वजह से इसका विरोध हुआ, क्योंकि जो पूरी की पूरी कांग्रेस लॉबी थी, विपक्षी लॉबी थी, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियां थीं या वामपंथी पार्टियां थीं, उनकी कोशिश ये थी कि इसी के साथ साथ करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में रह रहे हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाए, लेकिन वो चूंकि यहाँ पर किसी प्रताड़ना की वजह से नहीं आए हैं बल्कि अवैध रूप से भारत में आए और यहाँ अपराधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके ऊपर तमाम अब तक आरोप है, तमाम उनके ऊपर आपराधिक जो केस चल रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी पार्टियाँ, तृणमूल कांग्रेस खासकर, ऐसी कोशिशों में हैं कि उनका ये पूरा का पूरा मुस्लिम तुष्टिकरण का जो वोट बैंक है वो बहुत बढ़ जाएगा, और अभी तक उन्हें केवल वोटर राइट तो उन्होंने गलत किसी तरीके से, अवैध तरीके से दिला दिया था, उसके बाद उनको पूरी तरीके से नागरिकता मिलने के बाद वो भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगेंगे। और इस कड़ी में अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग सबसे आगे आकर इसको ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं। वजह यह है कि उनको लगता है कि अगर उन लोगों ने इन 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को देश में नागरिकता दिला दी तो निश्चित तौर पर उनका जो सीटों की संख्या है, जो वोट परसेंट है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा और स्पष्ट तौर पर उनकी सत्ता में शायद वापसी हो जाएगी। लेकिन अब देश पूरी तरीके से इस मामले में स्पष्ट हो चुका है, जो ज़्यादातर राष्ट्रवादी लोग हैं, भारतीयता की बात करने वाले संवैधानिकतावादी लोग हैं,
वो स्पष्ट तौर पर इसके खिलाफ है और इसको लेकर 40 साल से एक आंदोलन भी चल रहा है पूरे देश में कि इस तरीके से जो जनसंख्या असंतुलन पैदा किया गया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जिस तरीके से इनकी बड़ी बड़ी बस्तियाँ बसा दी गई हैं और जितने भी इन बड़े शहरों में आपराधिक कृत्य होते हैं उनमें 90% से ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का होता है। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इन अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। और यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट में एक और मुद्दा कपिल सिब्बल ने उठाया कि असम के अंदर 40 लाख लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं, जिनमें 20 लाख हिंदू हैं और 20 लाख मुस्लिम हैं। तो इस कानून के तहत 20 लाख हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 20 लाख जो मुस्लिम हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, जो गलत है। यानी सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने भी इस बात को मान लिया है कि कांग्रेस की सरकारें रहते हुए असम के इलाके में 20 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को वहां बसाने का काम कांग्रेस ने किया और अब कांग्रेस उनको नागरिकता दिलाने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तमाम तरीके के कुतर्क कर रही है, तमाम तरीके से गलत अफवाहें फैलाकर जिस तरीके से शाहीन बाग जैसी घटनाएं कराई जा रही हैं, जेएनयू जामिया मिलिया जैसी घटनाएं कराई जा रही हैं और सीलमपुर में जिस तरीके से आगजनी वगैरह हुई और दूसरे इलाकों में उत्तर प्रदेश में जो गोलीबारी कराई गई है, सारा का सारा नाटक कांग्रेस का है और कांग्रेस इसके द्वारा कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसको आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने पूरी तरीके से नकार दिया और सीधे तौर पर उनके मुँह पर तमाचा नहीं बल्कि बहुत जोर का एक हथौड़ा मारा है। जय हिंद, जय भारत।